नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से निकाली गई लेटेस्ट वैकेंसीज की अपडेट के बारे में। जी हां दोस्तों, एफसीआई की तरफ से निकाली गई लेटेस्ट वैकेंसीज की अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ हम बात करेंगे कि यहां पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कब से कब तक आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, एंड आपको यहां पर मंथ पे स्केल कितना प्रोवाइड किया जाएगा। इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप इस भर्ती के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही में इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर बात करें एफसीआई रिक्रूटमेंट 2022 के लिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, तो देखिए यहां से आप चेक कर सकते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी एफसीआई का आप यहां से इजीली चेक कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों, आप इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप मेल हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं, बहुत कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। मेल एंड फीमेल बहुत कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, साथ ही में ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं वैकेंसीज के अपडेट के बारे में, तो देखिए असिस्टेंट जनरल मैनेजर पोस्ट के लिए आपको जो सैलरी दी जाएगी वो 60,000 रुपए से 1,80,000 रुपए तक दी जाएगी। मैक्सिमम 30 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और टोटल 30 वैकेंसीज रखी गई हैं। एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरीज की पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं, मतलब कि कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज की अपडेट आप यहाँ से ले पाएंगे। इसी के साथ में नेक्स्ट वैकेंसी वॉचमैन पद के लिए वैकेंसीज रखी गई है, जिसमें आपको 18,000 रुपए से 22,000 रुपए तक सैलरी दी जाएगी, एंड इसी के साथ में 30 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में एससी कैंडिडेट के लिए 288 वैकेंसीज है, एसटी के लिए 234 है, साथ ही में ओबीसी के लिए 312 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 208 वैकेंसीज है, जनरल के लिए 415 वैकेंसीज रखी गई है। टोटल 1457 वॉचमैन के पद यहां पर रखी गई। इसी के साथ में एलडीसी पोस्ट के लिए भी आप चेक कर सकते हैं, 25,500 रुपए से 45,000 रुपए तक आपको सैलरी दी जाएगी। 35 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एससी के लिए 568 वैकेंसीज हैं, एसटी के लिए 458 एंड ओबीसी के लिए 685 वैकेंसीज हैं, साथ में ईडब्ल्यूएस के लिए 476 एंड जनरल कैटेगरी के लिए 743 वैकेंसीज हैं। टोटल 2,930 वैकेंसीज रखी गई हैं। एमटीएस पोस्ट के लिए भी आप यहां से चेक कर सकते हैं, 19,900 रुपए से 35,000 रुपए तक आपको सैलरी दी जाएगी। 33 साल तक के कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर पाएंगे। साथ ही में दोस्तों 1875 वैकेंसीज टोटल वैकेंसीज रखी गई हैं, एंड इसी के साथ में आप स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए भी यहां से चेक कर सकते हैं जो वैकेंसीज रखी गई है। स्टेनोग्राफर के लिए आपको थोड़ी सी वैकेंसीज कम देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहां पर आपको जो सैलरी दी जाएगी वो 28,600 रुपए से 63,000 रुपए तक दी जाएगी, जो कि काफी अच्छी खासी सैलरी आपकी बन जाती है। 32 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे एंड टोटल यहां पर 182 वैकेंसीज हैं। एंड इसी के साथ में आप यहां से कैटेगरीज वाइज वैकेंसी चेक कर सकते हैं, एससी के लिए 1275 वैकेंसीज हैं, एसटी कैंडिडेट के लिए 934 वैकेंसीज हैं, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1525 वैकेंसीज रखी गई हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1008 एंड जनरल के लिए 1781 वैकेंसीज हैं। टोटल 6,551 वैकेंसीज रखी गई हैं। सो काफी अच्छी खासी आपके लिए यहाँ पर वैकेंसीज रखी गई हैं, ग्रेट अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए रहने वाली है। बैकलॉग वैकेंसीज भी आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। सो आप अपनी वैकेंसीज की पूरी इन्फॉर्मेशन इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ले सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, अगर आप मल्टीपल डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं तो भी आप यहाँ से जो है अपना रिजर्वेशन ले सकते हैं। अगर आप पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो भी आपको जो है यहाँ पर बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में, तो देखिए अगर आप वॉचमैन पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 8वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, एलडीसी पद के लिए 12वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, टाइपिंग नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए, एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस पोस्ट के लिए 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, साथ ही में स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, लेकिन आपके पास में टाइपिंग नॉलेज का होना बेहद जरूरी है। अगर आपके पास में टाइपिंग नॉलेज है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में एज रिलेक्शन के बारे में बात कर लें या फिर एज के बारे में बात कर लें, तो देखिए 1 दिसंबर 2022 तक आपकी क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस एंड एज को यहां पर जो है काउंट किया जाएगा, मतलब कि आपकी जो एज रहेगी उसे 1 दिसंबर 2022 तक काउंट किया जाएगा। साथ ही में अगर आप एससी एसटी या फिर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की एज में छूट देखने को मिल जाएगी, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की एज में छूट दी जाएगी, जो कि गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार सभी कैंडिडेट को प्रोवाइड की जाती है। अदर रिलेक्शंस आप यहां से इजीली चेक कर सकते हैं, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट
कैंडिडेट है, एक्स सेल्समैन कैंडिडेट है, तो भी आप यहाँ से जो है रिजर्वेशन का प्रॉफिट ले सकते हैं, रिजर्वेशन का फायदा यहाँ से उठा सकते हैं। एंड इसी के साथ में दोस्तों अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो देखिए यहाँ से आप सिलेक्शन प्रोसेस चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। सो 50% मार्क जो है आपके इंटरव्यू के लिए जाएंगे और 45% मार्क यहाँ पर एससी एसटी व ओबीसी कैंडिडेट के लिए रखे गए। मतलब कि आपका जो एग्जाम है उसमें जो है 45% मार्क होने चाहिए। साथ ही में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 50% मार्क यहाँ पर मिनिमम रखे गए, इतने नंबर आपके होने ही चाहिए। साथ ही में 90-10 का रेशियो आपका लिया जाएगा, मतलब कि 90% नंबर आपके ऑनलाइन टेस्ट के लिए जाएंगे और 10% नंबर आपके जो है इंटरव्यू के लिए जाएंगे। और इसी के आधार पर आपका जो है फाइनल वेटेज निकलने वाला है, फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। एग्जाम पैटर्न आप यहाँ से चेक कर सकते हैं दोस्तों, आपके क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। सो 120 जो है मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और जो है आपका यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा, पूरा एग्जाम पैटर्न देखने को मिल जाएगा कि कौन सी पोस्ट के लिए आपका क्या एग्जाम पैटर्न यहाँ पर रहने वाला है। सो फ्रेंड्स आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से एग्जाम सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन को बनाना है, आपको अपनी प्रिपरेशन को करना है ताकि आपकी प्रिपरेशन ज्यादा बेटर तरीके से हो सके। यहाँ से आप एडमिट कार्ड से संबंधित, आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से संबंधित या फिर वेरिफिकेशन से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। एंड इसी के साथ में दोस्तों आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन से स्टेट में आपको कहाँ पर एग्जाम सेंटर मिलने वाला है। सो आप अपने स्टेट के हिसाब से अपना एग्जाम सेंटर भी चूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप राजस्थान से अप्लाई करते हैं तो आपको जयपुर में आपका एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। अगर आप तमिलनाडु से अप्लाई करते हैं तो आपको चेन्नई में आपका एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। तेलंगाना वाले कैंडिडेट को हैदराबाद में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। तो सभी स्टेट के कैंडिडेट अपना नियरेस्ट एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं एंड आपको आपके होम स्टेट में ही एग्जाम देने का मौका भी मिल जाएगा। सो आपके लिए काफी अच्छी वैकेंसीज रहने वाली है एंड आपको आपके होम स्टेट में ही जो है ये जॉब प्रोवाइड की जाएगी। मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं पर भी जहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जहां से भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वहां पर आपको ये जॉब देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर ले तो ₹1000 एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है। साथ ही में अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फिर वुमेन कैटेगरी के कैंडिडेट है, मतलब कि आप फीमेल कैंडिडेट है, तो आपको यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फीस सबमिट नहीं करवानी होगी। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसी के साथ में बायोमेट्रिक और कैप्चरिंग वेरिफिकेशन भी आपका जो है एग्जाम के टाइम पर होने वाला है। सो आपका जो है यहाँ पर फ्रॉड से संबंधित सारे के सारे डाउट्स एकदम से क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों 1 दिसंबर 2022 से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे और 29 दिसंबर 2022 तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो आप अपनी एप्लीकेशन फीस भी 29 दिसंबर तक ही जमा करवा पाएंगे एंड रजिस्ट्रेशन से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ में दोस्तों आप अपनी एप्लीकेशन फीस किस तरीके से जमा कर सकते हैं, तो ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस भी जमा करवा पाएंगे। फोटोग्राफ आपको, आपकी जो फोटोग्राफ की साइज है वो क्या होनी चाहिए, साथ ही में आपके सिग्नेचर्स की साइज क्या होनी चाहिए, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है कि किस तरीके से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सबमिट करना है। सो फ्रेंड्स आप यहाँ से इसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इंपोर्टेंट डेट भी आप यहाँ से चेक कर पाएंगे, 1 दिसंबर 2022 से 29 दिसंबर 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं एंड आपके जो एडमिट कार्ड रहेंगे वो 10 दिन पहले आपको देखने को मिल जाएंगे। आपका जो ऑनलाइन टेस्ट रहेगा वो फरवरी या मार्च 2023 में कंडक्ट करवाया जाएगा, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर बता दी गई है। ये जो डेट है ये टेंटेटिव डेट रखी गई है, मतलब कि इस डेट को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। एंड उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल गई होगी। वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।